करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आपके प्रेजेंटेशन को देख करके मुझे चार लाइनें याद आ गई, मुझे कवि का तो नाम नहीं याद है। आज बुंदेलखंड और तमाम ऐसे बाढ़ग्रस्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसान की क्या दुर्दशा है, उस पर किसी ने कहा है कि बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रही सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा। देखो मगर सोढ़ित जलाकर, मतलब खून जलाकर, देखो मगर सोढ़ित जलाकर हल कुदाल चला रहे हैं स्त्रियां मध्यान्ह लेकर, रोटियां पहुंची वहां हैं, रोटियां सूखी मगर है साग की न उसको खबर, भरपेट भोजन पा लिया सौभाग्य मानो जग गए। तो इस देश में जो किसान है वह वास्तव में बहुत ही संतोषी है, बहुत ही कम चीज़ों में जो है अपना गुजारा कर लेता है और संतोष करके अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। वह इन तमाम बातों और तमाम मुद्दों पर ध्यान नहीं देता जिनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो बेहतर होता कि अगर इस तरीके की बातें, इस तरीके की कार्यशालाएं हम लोग ग्रामीण अंचलों में करते, जैसा कि आपने बताया है कि सामाजिक चेतना फाउंडेशन या उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक ऐसा संगठन है जिसके संस्थापक माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव जी हैं, और हम लोग महीने में 3 गाँव में, जैसा कि जब भी मुझे कोर्ट से छुट्टी मिलती है तो 3 गाँव का चयन करते हैं, वहाँ पर ग्रामीणों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन 3 विषयों को लेकर के उनके बीच में जन जागरूकता के लिए चौपाल करते हैं, उनको उनके हक और अधिकारों की जानकारी से अवगत कराते हैं कि सरकार द्वारा कौन सी योजनाएँ चल रही हैं जो जिसका वो लाभ ले सकते हैं। वास्तव में हमारे समाज में साइंटिफिक टेम्पर की बहुत कमी है। अगर हमारा समाज वैज्ञानिक चेतना से ओतप्रोत हो जाए, उसे शिक्षित कर दिया जाए, उसे उसके हक अधिकारों से अवगत करा दिया जाए, तो आज जो दुर्दशा समाज की है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सावन मास में कांवड़ यात्रा चल रही है और तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वह जो कुल्हाड़ी में बेंट की तरह हमारा ही समाज हमारे लिए काम करता है, नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी कमी है वैज्ञानिक चेतना की कमी, जिसे हम सभी को मिल करके प्रयास करना होगा और उनके बीच में जाना होगा। नहीं तो हम लोगों की इस तरह की राजधानी और प्रदेश की राजधानियों में हो रहे कार्यक्रम और जो सेमिनारें हैं उनका बहुत सार्थक उपयोग रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जब तक हम रूट लेवल पर उन लोगों को जागरूक करने के लिए कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। और सभी लोग, जैसा कि माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप लगातार लखनऊ आते रहे हैं, मुलाकात होती रहे, आपका जो संघर्ष है वास्तव में काबिले तारीफ है। तो सर की तरह हम सभी से चाहेंगे कि राजधानी में ज़रूर 1-2 महीने पे कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन जो जिस क्षेत्र से आता है वो उस क्षेत्र में वहाँ प्रयास करे, अपने आसपास अपने ग्रामीण अंचलों में अपने लोगों को जागरूक करे, अपने संगठन के माध्यम से या जो भी उसके पास संसाधन मुहैया हैं उनके माध्यम से। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेडिसिन में प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या वो किसी किसान को उसका मुनाफा मिलता है? कोई मुनाफा नहीं मिलता, उसे पता ही नहीं इसके बारे में मुनाफा कैसे मिलेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको जो है कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो तब संभव है जब मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया जाए। और जो हिडन चीज़ें हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जैसे स्किन से लेके बाकी जितने तरह का व्यापार होता है, आप जानते हैं चमड़े का उत्पाद बाज़ार में सबसे ज़्यादा महंगा है, लेकिन पशु की जो नाप तोल है उस आधार पर कभी नहीं की जाती है, और किसान सबसे बड़ा पशुपालक है। ऐसे ही जो
मिल्क से लेकर और बाकी जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो पशु उत्पाद से इकट्ठे होते हैं उनके लिए आसपास में डेवलप किया जाए एरिया जहाँ से वो बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब तक इन एग्रो इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप नहीं किया जाएगा इन चीज़ों को सुनियोजित तरीके से लागू करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट कर दीजिए, ये अदर पॉलिसी में है जैसे फार्मर्स के लिए भी नहीं, इसके पीछे वाला हाँ फार्मर्स के लिए भी देखिए जो साइंटिफिक तरीका है रिसर्च होनी चाहिए, देश भर में व्यापार करने के तरीके, नई नई मशीनरी, नए नए साइंटिस्ट विचार। अब देखिए बहुत सारे पौधे ऐसे थे जिनमें मेडिसिन की मिनिमम ज़रूरत पड़ती थी, पशुओं में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत मिनिमम मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें मेडिसिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा प्रचारित किया जाता है। ये नहीं प्रचारित कोई करता कि हम कौन सा बीज भारत में ले आकर के अपने किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस पर कितनी कमेटी बनती है? कमेटी इस पर बनती है कि इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहा है, इतना ज़्यादा केमिकल प्रयोग कर रहे हैं, वो केमिकल के पहले जो बीज डाला गया था वो बीज किस जीन का है, कहाँ से लाया गया, कौन उत्पाद करके ले आया और कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डिसाइड करके दे सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कोई काम नहीं करवाया जाता। ज़रूरत क्या है? इस तरह का जो साइंटिफिक रिसर्च है उसे किसानों से सीधा जोड़ा जाए और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएं। किसान को छोटे छोटे जितने प्रोडक्ट हैं या जो भी चीज़ें डेवलप की जाती हैं वो किसानों तक पहुंचे, साथ में उनके इस्तेमाल का तरीका भी उन तक पहुंचाया जाए, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कंपनियों के लिए लोन निर्धारित किया जाता है कि इतना परसेंट नए इंटरप्रेन्योरशिप नए लोगों के लिए दिया जाएगा, नई इंडस्ट्री के लिए दिया जाएगा, वैसे ही किसानों के लिए वो अमाउंट फिक्स किया जाना चाहिए। जो भी बजट है उसका कुछ हिस्सा इस काम में खर्च करने के लिए डिसाइड होना चाहिए। और वाटर और एनर्जी, आप जानते हैं सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसके बिना किसानी नहीं हो सकती, इसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। और ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि छोटे बड़े जगहों पर इस तरह के टॉक करके, इस तरह की बातें करके, सूचनाओं का प्रसारण करके हम अपने किसानों को इस तरीके से जागरूक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि देखो जो ये खेल है वो पूरी तरह से ब्रेन गेम है, पूरी तरह का दिमागी खेल है। जब तक हम किसान को मेहनत के बजाय दिमागी खेल का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक खेती किसानी मुनाफे का सौदा नहीं बनेगी। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो खेती किसानी है कोई मिराकल नहीं है, ये मेहनत से होने वाली चीज़ है और आप मेहनत करोगे तो सफलता मिल सकती है। बस निवेदन ये है कि इसको हम उस दिशा में ले जाएं कि यूनियन बाजी और राजनीति से ऊपर उठा करके इंडस्ट्री की तरफ डेवलप करवाएं तो शायद हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंदिर।